अब मैं क्या करूं, कैसे रहूं यहाँ पे अकेले। अरे जाऊं तो भी कहाँ जाऊं, कौन मुझे देखेगा। खाना खर्च, कपड़े उपड़े सब कुछ तो देखना पड़ेगा। अच्छी खासी परिवार के साथ रह रही थी, इनके चक्कर में आके मैं पता नहीं कहाँ फंस गई। खुद तो मुझे लाकर यहाँ फंसा दिया, और खुद देखो पता नहीं किसके साथ भाग के चला गया। अब मैं क्या करूँगी, वापस जाऊँ तो भी कैसे जाऊँ। सब कह रहे थे मत जाओ मत जाओ, लेकिन मेरा बुद्धि नहीं था ना, या मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। और मैं यहाँ रहूँ तो भी अकेले कैसे रहूँ। चलो दिन भर तो ठीक है, जैसे रात होता है ना इतना डर लगता है, क्या करूँ। अरे घर जाऊँ तो भी किस मुँह से जाऊँ। अगर पूछेंगे बेटा कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी। कहूंगी कि किसी को लेकर भाग गया तो भी यही कहेंगे कि अपने मर्द को संभाल नहीं पाई। मुझे कौन देखेगा, कौन साथ देगा, मैं कैसे रहूंगी, क्या करूं मैं, क्या करूं क्या करूं। हाँ त्योहार को बुलाती हूँ, ये ठीक रहेगा, कम से कम मेरा कोई रहने के लिए यहाँ साथी तो हो जाएगा। बुलाती हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा, फोन कर लेती हूँ। हेलो देवर बाबू जी, कहाँ पे हो? होती मैं तो गांव में हूँ। तुम ना वहाँ से बस पकड़ो और तुरंत यहाँ आ जाओ। कहाँ हो होती तुम? अरे बस आप निकलो घर से, मैं आपको फोन में बता दूंगी कि आपको आना कहाँ पे है। अच्छा, अच्छा एक काम करना, कपड़े भी पैक कर लेना हाँ, एक हफ्ते के लिए। क्यों भाभी, कहीं जाना है मेला वाला? तुम आओ मैं सब तुमको बताऊंगी, यहाँ आओ। और सुनो घर में किसी को बताना नहीं कि फौजी बोल मतलब भाभी का फोन आया था, वहाँ पे जा रही हूँ, किसी को मत बताना, तुम चुपचाप आ जाना ठीक है। अच्छा को फोन दो ना। भैया ना तुम यहीं पे आके बात कर लेना। अच्छा ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, जैसे वो आएगा मैं सब समझा दूंगी। हाँ कहाँ आ गई हो बहू जी? टीन का घर और ये सब। अरे क्या है बाबू, गुजारा तो चलाना है। तो क्यों आ गई थी? हम लोग तो बोल रहे थे मत जाओ मत जाओ, लेकिन अब तुम्हारे भैया जिद करने लगे तो मैं क्या करती, मेरा क्या चलता है, जो जहाँ पे वो कहेंगे वहीं पे मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, वो झोरा में कुछ सामान भी है घर से भेजा है, माँ ने वो भी निकाल देना। अच्छा ठीक है, अभी मैं निकाल लूंगी तो, और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आराम से आए ना। रास्ता तो बहुत अच्छा बता दिए रहे तुमने, कैसा कैसा रास्ता बता दिया। मुझे भी क्या पता, मैं भी एक ही बार तो आई हूँ, जब से आई हूँ तब से वापस भी नहीं गई हूँ। इधर आओ, ये मोड़ है। अरे भाभी कम से कम अच्छा बताना चाहिए था। जितना मुझे पता है उतना ही तुम्हें बताऊंगी। अच्छा अच्छा, तो ये भाई किधर गए, कहाँ हैं? भैया घर पे नहीं है। घर पे नहीं, लेकिन कमरा तो बहुत बेकार लिया तुम लोगों ने, आप लोगों ने। क्या बताऊं, हालात ही ऐसी है। क्या हो गया, हालत ऐसी है मतलब अब गुजारा तो चलाना पड़ेगा ना।
अच्छा खासा घर छोड़ के आ गई भौजी तुम पकड़ के। मैं भी तो पछता रही हूँ ना आके। अच्छा तो ठीक है, वो कब तक आएंगे भैया? शाम तक आ जाएंगे या कल तक आ जाएंगे सही? कल तक कहीं गए हैं क्या? अच्छा घर तो मुझे ठीक नहीं। ठीक तो नहीं है लेकिन क्या करें, बैठना तो है इसी घर में। खाना पीना का कैसा होता है? कैसे भी करके जुगाड़ कर लेते हैं। अच्छा उधर तो वो ईटा लगा है क्या है? हाँ बना नहीं है ना, बन रहा है। अच्छा और सस्ता में मिल गया था तो क्या करें। ठीक है कोई बात नहीं। तो ठीक है आप बताओ मुझे क्या करना है, मुझे क्यों बुलाया? बता क्या बात। कहीं मेला वाला तो घर में सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। मम्मी पापा हाँ सब बोले कि जाना देखना कि क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। बताया था कि बिना बताया नहीं है? तो मैं तो बता तो के क्या जब... है ना घर से सब लोग कह रहे थे कि मत जाओ मत जाओ। हाँ हाँ फिर भी तुम्हारे भैया के जिद की वजह से आना पड़ा तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है और शर्म लग रहा है। अरे कोई बात नहीं जी। सब वो कितना सब बोल रहे थे कि मत जाओ मत जाओ लेकिन क्या करें। हाँ हाँ किस्मत फूटी थी जो परिवार छोड़ के यहाँ आ गए। अरे कोई बात नहीं अपने मर्द के साथ कितने अच्छे से हम रहते थे। अरे कोई बात अब जब तुम्हारा मर्द जब से आए तब से तो मैं अकेली कर गई। अरे तो इसीलिए तो सब लोग समझा रहे थे जैसे कि कोई है ही नहीं मेरा। ओहो हम लोग हैं ना। मैं क्या बताऊं। अरे तुम चिंता क्यों ले रहे, हम लोग हैं ना, तो हम लोग थोड़ी ना कहीं चले गए हैं। आखिर तुमने फोन किया? अरे तो भाई भाभी भौजी ने बुलाया है तो मैं जाऊं, तो मम्मी ने बोला जाओ तो आ गया ना। हम तो हम लोग कहीं चले गए हैं क्या? नहीं मैं तुमको क्या बताऊं कैसे बताऊं। अरे बात क्या है, इतना क्यों हड़बड़ा रही हो, तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? खुश नहीं देख रहा हूँ, जब से आई हो तब से एक ही बस गलती हो गई, ये हो गया, ये सब क्या है, हुआ क्या है, झगड़ा हुआ क्या? उससे भी बड़ा हुआ। उससे भी बड़ा हुआ है? अब झगड़ा से बढ़कर क्या है? तुम्हारे भैया ना हाँ हाँ किसी और को लेकर भाग गए, दो तीन दिन हो गए हैं वापस आए ही नहीं और मैं रो भी नहीं पाई। क्या दूसरे लेके भाग गए हैं? दो तीन दिन हो गए? हाँ दो तीन दिन से मैं अकेली पड़ी हूँ। ओह तो तुम्हें ये पता कैसे चला कि वो लेके भागे? वो फोन करके बताया कि मैं अब नहीं आऊंगा, तुझे जहाँ जाना है तुझे। तब तो बहुत बुरा हुआ भौजी तुम्हारे साथ। दो तीन दिन से अकेली रह रही हो? अरे ऐसे जगह में तो यहाँ पे तो कोई नहीं रहता यार, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती। तो घर से देखो ना सब लोग कह रहे थे कि मत जाओ लेकिन मैं तुम्हारे भैया के ऊपर इतना भरोसा कर दी ना कि घर परिवार की शायद वही सजा मिल रहा है। सबको छोड़ के मैं यहाँ आ गई ना इसलिए अकेली हूँ। मेरा फोन जरा उठाओ तो मैं माँ को बुलाता हूँ। नहीं माँ को मत बताओ। क्या करोगी नहीं बताना है तो? अरे वो क्या कहेंगे कि पति नहीं संभाल पाई थी तो फिर लेकर क्यों चली गई अकेले। ना मैं घर जा सकती हूँ ना अपने मायके जा सकती हूँ और यहाँ रहूँ तो इतना डर लगता है ना, जैसे लगता है कि घर ही मुझे खा लेगा। फिर भी मैं तीन दिन से जैसे तैसे गुजारा कर रही हूँ, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इतना घर में खाना पीना रहने के लिए कुछ भी टेंशन नहीं, लेकिन हम लोग समझा रहे थे इसीलिए हम लोग समझा रहे थे कि मत जाओ मत जाओ। अरे मेरी किस्मत ही फूटी थी। तो अब तो फूट गई, अब बचा क्या है? क्या करा दिया भौजी आपने? क्या बताऊं करा तुम्हारे भैया ने करे मैंने तो। बोलो अब क्या करना है?
चलो घेरने चलते हैं। कहाँ पे ढूंढोगे तुम? तुम्हें नहीं पता? मुझे क्या पता? ये लो, ये भी नहीं पता। खाली इतना बोले लाओ, फोन करता हूँ भैया को, तुम्हारा माल दो। अरे वो नंबर ही बंद है। ले मैंने कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ ना, इतने बार फोन करती हूँ, दिन भर पागल जैसे, रात भर पागल जैसे, हमेशा फोन ही लगा कर भेजू, क्या करूँगी? खाने के लिए कुछ नहीं, कहीं जाऊँ भी कहाँ जाऊँ? मामला सब गोल कर दिया आपने। अरे मैंने किया किया क्या? घर भी जा नहीं सकती। हाँ तो अब क्या बताएं, माँ से पूछना पड़ेगा। मैंने क्या पूछूंगी माँ से, मैंने उनके दिल दिखा दुखा कर मैं आई थी ना। हाँ तो खुद भगवान ने भी मेरे दिल दुखा दिए। अच्छा अब मुझे मैंने तुमको क्यों यहाँ बुलाई हूँ ना। हाँ हाँ जितने भी तुम्हारे भैया के यहाँ पर सामान है ना, हाँ। वो ले जाकर घर पे रख दो। अच्छा मैं जाकर कहीं जाकर मर जाऊंगा। अरे क्या बात करती हो अब मैं क्या करूँगी? क्या उल्टा उल्टा बात करती हो, रहने दो, मैं यहाँ पे रहूँगा ठीक है। मैं माँ से बोल दूंगा कि भैया ये सब ठीक है और मैं यहीं पे 10-12 दिन, 2-4 दिन जितना है रहूंगा। अरे दिन में तुम्हारे मैं माँ से बात करूंगा और धीरे धीरे जो है मैंने। मेरी बात तो सुनो, जब तुम्हारे भैया ही मुझे रखना नहीं चाहते, मुझे प्यार नहीं करते हैं, तो उनके घर वाले थोड़ी ना करेंगे। शादी किया है ना तुमने, टेंशन क्यों लेती हो यार? ना बच्चे हैं ना कुछ। अरे भौजी तुम पागल हो, पगला गए हो पागल। बच्चे का एक ही साल में हो जाता है, 6 महीने में हो जाता है, क्या पता पल रहा हो, क्या पता हो गया हो, क्या पता 1 साल बाद हो, क्या पागल जैसे बात कर रहे हो। तुम्हारी भैया लेके दूसरे को चले गए। अरे तो आएंगे लौट के घर में ही, तो तब देख लेंगे कि कौन है क्या है, हम लोग साथ है ना। ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है ना। अरे पैसे लेके, मम्मी ने मुझे पैसे दिए है 30,000 रुपया, बोली है कि ले जाके दे देना अपने बहू जी को, समझी? तो टेंशन क्यों ले रही हो, पैसे दिए उसमें कुछ सामान भी है, वो क्या है निकाल के खा लेना। चलो ठीक है कोई बात नहीं। ओफो बहुत टेंशन वाला काम कर दिया भैया ने यार, है तेरी यार। पुलिस के वहां जाऊं तो कैसे जाऊं, घर तक बात पहुंच जाएगी। अब जाने की क्या जरूरत है, उनकी वजह से मैं घर की इज्जत क्यों बर्बाद करूं, इसलिए मैं ना किसी को बताऊं। तो पुलिस यार थोड़ी ना पाएंगे, उनको कहां हेरेंगे जब कुछ अता पता नहीं है। अरे तो बदनामी तो घर के होगा ना, इसलिए खाने में नहीं गई। ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठो यार, मैं बाहर जाके थोड़ा सा, टेंशन हो गया मुझे, क्या मैं सोच के आया था, क्या हुआ है बोजी, क्या दिमाग खराब हो गया मेरा, अब तो क्या बोलना क्या बताऊं, ऐसा ही होना तो हो Thank you.
पहले बनाती थी ऐसे, अब तो घर में कोई बनाता ही नहीं है खाना। इतना मजा आ गया, सब पुराने यादें सब याद ताजा हो गई। वाह अरे मुझे हाँ ना, क्या हो गया? आज 3 दिन हो गया, 3 दिन क्या, 2-3 महीने हो गया अच्छे से खाना ही नहीं खाई हूँ। और आज 3 दिन से तो मैं खाना खाना तो क्या पानी में नहीं मिला था, और देखो इतना अच्छा खाना मिला है, और आज मैं आराम से सोऊंगी भी। कितने दिन मैंने डर डर के काट लिया, जैसे कि कोई भी मेरा नहीं था। अब हम है ना, अब हम सब हैं साथ में रहेंगे, आप चिंता मत करो, मैं हूँ, अब डरने की जरूरत खाऊं। तुम खाओ, रुको मैं खिला देता हूँ। कोई बात नहीं बोलती, हम हैं ना, अब हम घर में बात मिलाते आप। अरे क्यों क्यों रो रहे? मैं खुशी भी हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। तुम्हारे भैया ने मुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ? हम सब हैं, हम सब पूरा घर वाले, मेरा परिवार मेरा साथ है, तो मुझे कुछ भी नहीं। अब मैं ना मैं रोऊंगी ना मैं भूखे सोऊंगी, मैं खुशी के साथ रहूंगी। हाँ बस अब कुछ दिन यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद में क्या और क्या, वहीं पे तो आएंगे, कहीं भी रहेंगे आएंगे तो वहीं पे। आप खाना अच्छे से खाओ, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं 2-4 दिन 6 दिन यहाँ पे रुकूंगा, उसके बाद में सामान यहाँ से फिर लाके घर चलूँ, बात करके मिला के। बहुत अच्छा खाना है वो जी, क्या बनाती हो हाँ, वहाँ भी यहाँ भी, लेकिन खाने वाला लेकिन कुछ नहीं, मेरे खाने वाले बहुत हैं। हाँ। तुम हो, घर वाले हैं, परिवार है पूरा, मुझे किस बात की गम, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं, और मैं टेंशन लूंगी भी, जितना टेंशन लेना था। हाँ, ले खत्म, सही बात, किसी को मेरा परवाह नहीं है तो मैं क्यों परवाह करूँ कोई की। सही है सही है, अपने शरीर को मैं हड्डी बना के क्या मिलेगा। सही है, वो तो पता नहीं कहाँ पर मौज कर रहे होंगे, घर घर के पानी पी रहे होंगे, और मैं यहाँ भूखी बैठूं, बिना सोए बैठूं, जैसे कि मैंने उनका बहुत बड़ा कर्ज खा लिया है, कुछ नहीं हटाओ सब। सही है, आपको हमें बताना चाहिए था, जैसे बताया जैसे हम आ गए कि नहीं। अरे मैं क्या बताऊं, कैसे बता दिया। चलो कोई बात नहीं, खाना खाओ, और खाऊंगे फुल पेट खाऊंगे। खाना खा के बड़ा मजा आ गया। गौजी मुझे कम्बल दे दो और बिछाने के लिए, बाहर जाके सो जाऊंगा और आप अंदर से बंद कर देना। बाहर क्यों, अंदर ही सो ना, बाहर के थोड़ी ना हो जो तुम बाहर जाके सोओगे, जैसे तुम्हारे भैया उठे तो यही अंदर सो, तुम इधर सो ना मैं उधर सोऊंगी। बताओ अरे क्या को मतलब क्यों दिक्कत कर रहे हो, सुनिया सो के अंदर सोऊंगी क्या है, और बाहर सोओगे तो ठंडे के टाइम है, तबीयत वगैरह खराब हो गया तो ठीक है मैं बिछा देती हूँ। अरे मुझे क्या तकलीफ, बाहर वाले से तकलीफ होता है ना, घर वाले से क्या तकलीफ। तो बाबू हाँ आओ, अच्छा अच्छा आओ,
देखो आज कितना अच्छा लग रहा है। कल परो तो इतना यहाँ पे खड़बड़ खड़बड़ी, इधर कभी आवाज आए मतलब डर के मारे आवाज ना आए तो भी जैसे लगता था कि इधर से कोई बुला रहा है कि उधर से कोई बुला रहा है। लेकिन आज आज तो इतना सुकून है कि क्या बता दो। तो फिर क्या? मैं आ गया हूँ ना, आज अच्छे की नींद सोऊंगी। और मतलब जितने दिन में मैं बिना सोए बैठी हूँ ना, सब नींद आज आज मेरा पूरा हो जाएगा। ठीक है भौजी, आज आप अच्छे से सो लो, मैं हूँ ना यहाँ पे, डरना मत, मजे से आप सो जाओ, ये समझ लो कि आपने घोड़े बेच दिए। उठाऊ या नहीं, लेकिन क्या सोचेगा, किससे बताऊं? अरे मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ, घर का ही आदमी है, इसे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? और यहाँ कोई है भी तो नहीं कि मैं किसी को लेकर बाहर जाऊं। जो भी होगा बुला लेती हूँ। बाबू, देवर बाबू, एक क्षण मेरे साथ बाहर चलो ना। अच्छा अच्छा, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। ठीक है चलो चलो उठो। बाबू तुम थोड़ा दूर बैठो। ठीक है भौजी, ठीक है। Thank you.
चलो चलो। बाबू हाँ मैं तुमको बेर बेर उठा रही हूँ, नुकसान तो नहीं हो? नहीं भौजी, मैं बुरा क्यों मानूंगा? आपके अलावा और मेरे अलावा यहाँ पे है कौन? नाराज मत होना। नहीं भाभी, नहीं मेरी भौजी, आप कर लो। ठीक है, आप यहीं तुम नहीं बैठो। ठीक है, कर लो। भौजी थोड़ी देर आप जाओ, मैं भी करके आता हूँ। ठीक है। बाप रे, क्या भौजी है यार, क्या क्या मस्त है यार, लेकिन चूतिया है मेरा भाई यार, जो इसे छोड़ के दूसरी को ले गया। क्या लगती है यार, सच में यार कमाल है कमाल। नहीं नहीं नहीं, गलत है, हो जी है मेरी, मुझे गलत नहीं सोचना है, सीधा फोकस फोकस करना है कि मेरी भौजी। ओके भौजी, इधर आओ, आओ ना। Thank you.